स्वागत करें। जयकारा बावे वाली माता दा। फूल माला इधर करो, हामी साहब डालो माला। राजेंद्र जी एक पटका और एक माला आप वृंदा जी जय श्री राम। मामा पांजा बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में से ही एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बाबा चंचल सिंह जी, जो कि एक बड़ी नामी गिनामी हस्ती हैं, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। पिछले कई सालों से लगातार वो सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा अग्रणी रहे। जहां कहीं भी समाज को, देश को इनकी जरूरत पड़ती है, ये हमेशा अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं। पहले भी हमारे संगठन के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए थे। बीच में जिला परिषद के चुनावों में इनका और इनके सहयोगियों ने इन पर दबाव डाल के उस वक्त कुछ चुनावी सरगर्मियों के लिए तैयार किया, और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज बाबा चंचल सिंह जी वापिस अपने घर में सा सम्मान, इज्जत मान और सम्मान सहित वापिस अपने घर में आए हैं। हमें इस बात की बेहद खुशी है। हमारे जिला परिषद के जो चेयरमैन श्री भारत भूषण जी, हमारे जिला अध्यक्ष जम्मू ग्रामीण जिला राजेंद्र सिंह चीफ जी, किसान मोर्चा के हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री ओमी खजूरिया साहब, और हमारे जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष सरदार वरिंदर जीत सिंह जी, सबने काफी प्रयास किया और सबकी बाबा चंचल सिंह जी के साथ बहुत अच्छी मित्रता, दोस्ती, प्यार भरा संबंध हमेशा रहा। और इन सब ने प्रयास करके और बाबा जी से चर्चा की, और बाबा जी ने भी, बाबा चंचल सिंह जी ने खुले मन से और बड़े मन से इस बात को स्वीकारा, और पुनः आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये शुरू से ही बहुत कर्मठ और जुझारू और देशभक्त व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इन्होंने हमेशा देश और समाज के प्रति बहुत ईमानदारी और कर्मठता से काम किया है।
एक सच्चे देशभक्त हैं जो हमेशा देश की और समाज की सेवा करते हैं। आज के इस मौके पर जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं हृदय से बाबा चंचल सिंह जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये इसी प्रकार आगे भी भारतीय जनता पार्टी में कार्य विस्तार को लेकर आगे से भी पहले से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे और पार्टी संगठन विस्तार में अपनी अहम भूमिका ये निभाएंगे। मैं बाबा चंचल सिंह जी और इनके जितने भी साथी हैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। बाबा चंचल सिंह जी, मैं बाबा चंचल सिंह पलवाल ब्लाक का रहने वाला, साढ़े पालती के प्रधान साढ़े रविंद्र रैना जी, मैं थोड़ा यटपुट बंदा, जिन्हें भी मेरे पालती के मेरे भरा खलोते ने, मेरे अपने आ ओमी खजूरिया, मेरे भरा रजिंदर सिंह और मेरे चेयरमैन बड़े भरा जिंदे कन्नै मैं शुरू तो चलिया, तो मैं सिर्फ इं बेनती करना भाई देश का लिए मैं जियांगा, देश के लिए मरांगा, देश के लिए काम करांगा जबरदस्त तरीके कन्नै, पूरे जज्बे कन्नै, आप भी बचाने का काम करके, देश की जगाने का काम करके, अपने देश की भारत की हिंदुस्तान की उपर चाहिए चल के, लेकिन कदम भी मुठ्ठी भर जो लोग पिछले 70 साल का जरा पिछा देश पर राज करते आए न, मैं गल चाहना भाई कदे भी अपने देश की अस कमजोर नहीं लगे होने देन, मैं चाहना एक जुट का बच्चे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई अस मिलिया रहोगे, अपने भारत वास्ते काम करके, अपने देश वास्ते काम करके, अपनी जनता लिए काम करके, अपने नौजवानों वास्ते काम करके, अपने देश का नाम रोशन करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब तक साड़ी खानदानी साड़ी बच्चे की भी अगर खानदानी चलेगी तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले और बीजेपी वास्ते अस पूरी उम्र काम करते रहोगे, बीजेपी वास्ते कदम जान भी देने पाओ तो बाबा चंचल सिंह कदम पिछा नहीं हटेगा। त्रै बेटे कदम जरूरत पाओ बीजेपी के त्रै बेटे भी मैं कुर्बान करने की इस भारत वास्ते तैयार हाँ, मैं कदम पिछा नहीं हटेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत मुबारक है बाबा जी। ठीक, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। बाद थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद अच्छा मेरे मित्रों, ये जो आपने अभी अगर मेरा आप इंटरव्यू लेना चाहते हो ना, इंडिविजुअल नहीं होगा, इंडिविजुअल करते करते बंदा पागल हो जाता है, इतने नहीं कर सकते, इंडिविजुअल नहीं। आप सवाल प्रेस वार्ता सर, एक स्टेटमेंट कल पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती के सामने आई थी जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा को खूंखार जानवर और बताया कि गले में पट्टा बांध के जब तक सरकार रही है, जब तक साथ में रहा तभी 370 को जो तोड़ा नहीं गया, किस तरीके से देखें इस बयान? धारा 370 ने 70 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। धारा 370 के कारण पश्चिम पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे उनको और उनके बच्चों को जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं मिले। क्या पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी क्या वो इंसान नहीं थे? 70 वर्ष धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों को अधिकार नहीं दिए। क्या गुज्जर और बकरवाल इंसान नहीं थे? क्या उनको क्यों 70 साल यहां महबूबा मुफ्ती जी ने और उनकी पार्टी ने कभी उनको अधिकार देने की बात क्यों नहीं कही? 70 वर्ष जम्मू कश्मीर की बेटियों को धारा 370 के चलते यहां अधिकार नहीं थे। यहां पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापितों के साथ अत्याचार किया गया। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हैं,
उनके साथ यहां अत्याचार किए गए। देश के 108 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिए धारा 370 के चलते। यहां दो कानून और दो झंडे इन्होंने लगा के रखे थे। एक देश में दो झंडे कभी होते हैं क्या? और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू नहीं होने दिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989, कभी जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के चलते लागू नहीं हो पाया। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिससे आम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उस कानून को 70 साल यहां एनसी कांग्रेस पीडीपी ने लागू नहीं होने दिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में कभी लागू नहीं होने दिया। धारा 370 एक नफरत की दीवार थी, जिसने अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। और धारा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। आतंकवादियों के बच्चों को इन्होंने नौकरियां दी और आम गरीब लोगों को कश्मीर में नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा दी। शेख सलाउद्दीन और गिलानी के बच्चे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बच्चे और जमात इस्लामिया जैसे अलगाववादी संगठनों के बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े नगरों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में और सरकारी तंत्र में नौकरियां करेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करें, और आम जो जम्मू कश्मीर का नौजवान बच्चे हैं उनको गुमराह करके उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें थमाई नेताओं ने। आज जब इनकी काली करतूतें सारी दुनिया के सामने उजागर हो गई हैं, आज जब धारा 370 के समापन के बाद यहां एंटी करप्शन ब्यूरो, एनआईए, ईडी जैसी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया, और वो तमाम जो लोग जो देश के लिए घातक हैं, आज जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, आज जब शेख सलाउद्दीन के बच्चों को जम्मू कश्मीर की नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। ये दुख कोई और है और दर्द कोई और है। इनके जुबान में तो कुछ सियासी वक्तव्य हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन इनके दिल में जो तकलीफ है वो जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। आज जब धारा 370 समाप्त हो गई, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है, लेकिन तकलीफ उन्हीं को है जिन्होंने लूट खसूट की, लूट लूट के खाया, जिन्होंने अपने बच्चों को तो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान पहुंचाया, लेकिन गरीब के बच्चों को मरवाया। गले में फट्टे वाली भाषा को किस तरीके से देखा? भाजपा के गले में फट्टा बांध कर जानवर बताया, वो तो सारी दुनिया जानती है कि गठबंधन से बाहर आते ही जब यहां गवर्नर रूल लगा और उसके बाद कैसे यहां 5 अगस्त 2019 के बाद परिस्थितियां सारी बदली। इसलिए हकीकत सारी दुनिया जानती है, और इन तमाम इस प्रकार के जो राजनीति करने वाले नेता हैं, उन्होंने कभी जनता का भला नहीं किया है। ये जम्मू कश्मीर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जम्मू कश्मीर है, ये ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल जी और ये मोहम्मद मकबूल शेरवानी का भी हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर है, जिन्होंने तिरंगा झंडा बुलंद रखते रखते कुर्बानियां दी। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर का हर एक यहां का रहने वाला नागरिक
दिल से हिंदुस्तान से प्यार करता है, लेकिन चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं और कुछ नेता हैं जो बिन पानी के जैसे मछली तड़पती है इस तरीके से वो तड़प रहे हैं। उनकी तड़पन और उनकी परेशानियां और उनकी तकलीफें और उनका दर्द सारी दुनिया जानती है। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों को ही तकलीफ है। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है, मजबूती की ओर। मेरे पास दो सवाल हैं। पहला, महबूब मुफ्ती कह रही है जब तक संविधान जम्मू कश्मीर का वो भारत का लागू नहीं हो जाता, फिर तो जब तक दोनों झंडे नहीं आ जाते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। दूसरी बात उन्होंने कही, जैसे सैयद सलाउद्दीन के दोनों बेटों को बर्खास्त किया, उन्होंने कहा पिता की सजा जो है वो बेटों को नहीं देनी चाहिए, इस पर आपका क्या? सैयद शेख सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी संगठन के कमांडर है, जो पाकिस्तान में बैठ के खूनी खेल खेल रहा है, जिसने हजारों बेगुना बच्चों का कत्ल करवाया है, हजारों सैकड़ों इनोसेंट बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको गुमराह किया, लेकिन अपने बच्चे सरकारी नौकरी में डालेगा और गरीबों के बच्चे उनके गले काटेगा और गले कटवाएगा? ये दोहरी राजनीति और रणनीति नहीं चल सकती। एनआईए ने जांच करके किसी दूसरे की सजा दूसरे को नहीं मिल रही है, एनआईए ने पूरी जांच की, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। इस बात को ये उजागर नहीं करेंगे, हकीकत को बयां नहीं करेंगे, लेकिन प्रोपेगेंडा करने में ये बड़े माहिर माने जाते हैं। और रही बात धारा 370 की और अलग से झंडे की, संविधान अर्थात 370 उसी के एम्बिट में है। कयामत की सुबह तक धारा 370 वापिस नहीं आएगी, कयामत की सुबह तक अलग से झंडा वापिस नहीं आएगा और कयामत की सुबह तक अलग से कानून नहीं होगा। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक झंडा होता है और एक देश में एक प्रधान होता है। धारा 370 की आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया और यह धारा 370 एक नफरत की दीवार थी जिसके पीछे एक साजिश थी कि कहीं ना कहीं एक और देश का विभाजन करने का षड्यंत्र था। इसलिए इस धारा को समाप्त कर दिया गया है। अब यह धारा इतिहास बन चुकी है। कुछ लोग आप इसको किताबों में ही पढ़ेंगे और ठीक है, कुछ नेताओं को हो सकता है ख्वाब में भी आती हो ये धारा, लेकिन हकीकत में अब ये समाप्त हो चुकी है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ कर दिया कि 2011 की सेंसस पर परिसीमन होगा। क्या लगता है कि 2011 की सेंसस पर परिसीमन होता है तो जम्मू को इंसाफ मिलता है? केवल सेंसस, केवल जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन नहीं होता है। उसके 6 बिंदु हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, उसके पैरामीटर्स हैं। हमारे संविधान के अंदर वो चीजें लिखी हैं जिसमें कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, बेसिक एमिनिटीज जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरेन है, टोपोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस है और पॉपुलेशन 6 नंबर पर है। हमने चुनाव आयोग को और डिलिमिटेशन कमीशन को वो सारे तथ्य उनके सामने रखे हैं जिसके जिक्र मैंने पहले भी आपके सामने किया है और मुझे लगता है कि वो सारे कंसीडर किए जाएंगे। सर, आपने कहा कि